एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम तबाने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद में फॉल एडमिशन 2022 की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और एडमिशन शेड्यूल से रिलेटेड इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम में शामिल हैं BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS सोशल साइंसेज, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बाद MBA, मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट साइंसेज, इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS सोशल साइंसेज, BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि कैंडिडेट ने ओ लेवल मिनिमम जो है 8 सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की हो और इसमें 5 जो है कंपलसरी सब्जेक्ट लाजमी होने चाहिए, जिनमें शामिल हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़। इसके अलावा कैंडिडेट ने ए लेवल मिनिमम 3 सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट की हो, यानी कि कैंडिडेट ने 12 ईयर एजुकेशन या इंटरमीडिएट जो है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो और किसी भी तस्लीमशुदा इदारे से कंप्लीट की हो। MBA के लिए कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, अगर एनुअल सिस्टम है तो 55% मार्क्स, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें मिनिमम 2.5 CGPA होनी चाहिए और कैंडिडेट ने डिग्री किसी भी HEC से तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से की हो। इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट साइंसेज के लिए कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और रेलिवेंट डिग्री में 2.5 CGPA या अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ ही कैंडिडेट ने GATE का टेस्ट जो है लाजमी क्लियर किया हो। मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज के लिए कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और रेलिवेंट डिग्री में अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें 60% मार्क्स, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें मिनिमम 2 CGPA लाजमी होनी चाहिए और इसके साथ ही कैंडिडेट ने GATE का टेस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लियर किया हो। याद रहे कि ऑफर किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम में एडमिशन 8 मई 2022 से स्टार्ट हुए थे और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 जुलाई 2022 है, यानी कि 15 जुलाई 2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से टेस्ट जो है 18 से लेकर 19 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे और इंटरव्यू जो है 23 से लेकर 26 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद क्लासेस 29 अगस्त को स्टार्ट कर दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती हैं, जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरिट स्कॉलरशिप, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, सिंध गवर्नमेंट एंडोमेंट स्कॉलरशिप, पाक यूथ एड मेरिट एंड नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, ICT स्कॉलरशिप फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। फीस की बात करें तो ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम में BBA की पर सेमेस्टर फ़ी 1,28,700 रुपीज़ होती है, इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की पर सेमेस्टर फ़ी 1,32,300 रुपीज़, BS कंप्यूटर साइंस की पर सेमेस्टर फ़ी 1,19,700 रुपीज़, BS सोशल साइंसेज की पर सेमेस्टर फ़ी 1,09,440 रुपीज़ होती है, MBA की पर सेमेस्टर फ़ी 1,01,400 रुपीज़ होती है, इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट साइंसेज की पर सेमेस्टर फ़ी 84,600 रुपीज़ और मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज की पर सेमेस्टर फ़ी 63,270 रुपीज़ होती है। अगर आप लोग शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन या रहनुमाई के लिए आप लोग दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।